first give you the answers. The first question was, from their position in the periodic table, what would you expect the elements titanium, vanadium, chromium, and cobalt to have in common? मैंने जानबूझ के, हालांकि ये elements कुछ कुछ तो common होंगे, लेकिन मैंने उनका atomic number साथ दिया है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि जो चीज सिखानी है आपको वो ये है कि periodic table की बुनियाद इसी बात पर है कि elements को arrange किया गया उनकी basis of their atomic. क्योंकि एटॉमिक नंबर से कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हैं और फिर कॉन्फ़िगरेशन से सब कुछ पता चल सकता है. सो हमने एटॉमिक नंबर लिख दिए. अब अगर आप सीधे साधे बच्चे हैं तो आपने चारों के एटॉमिक नंबर देखकर उनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी और फिर फैसला किया होगा कि सबकी कॉन्फ़िगरेशन डी पे ख़त्म हो रही है तो दे आर डी ब्लॉक एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स. और अगर आप थोड़े से समझदार हैं तो इनमें से एक की कॉन्फ़िगरेशन जब आपने लिखी टाइटेनियम की और आपने देखा कि इट फिनिशेस एट डी टू, तो खुद ही कॉमन सेंस में आ गया कि अगर 22 वाला D2 पे ख़त्म हो रहा है तो 23 वाला D3 पे, 24 वाला D4 या S1 D5 पे ख़त्म होगा और 27 वाला D7 पे ख़त्म, यानी सारे के सारे D पे ही बगैर कॉन्फ़िगरेशन लिखे भी समझ आ रही है. तो अब अगर ऐसा है तो हमने तीन प्रॉपर्टीज लिखी, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, कलर कंपाउंड और पैरामैग्नेटिक. जिन्होंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स याद की उन्हें फौरन क्लिक कर गया कि ये तीनों ही खूबियाँ डी ब्लॉक या ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ एसोसिएट हैं. इसका मतलब है कि हम पीरियोडिक टेबल में ये देखते हुए कि वैनेडियम, स्कैंडियम, क्रोमियम और कोबाल्ट ट्रांजिशन मेटल वाले हिस्से में आ रहे हैं, इनमें ये तीनों खूबियाँ होंगी. सो नंबर वन का जवाब है 1, 2, and 3, और 1, 2, and 3 का मतलब है ऑप्शन. फिर इसके बाद है एन एलिमेंट, एन एटम ऑफ एलिमेंट एक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस. ऑल दो देखिए मैंने ख्याल रखा है आपका, सेकेंड ईयर में आने के बाद एक बच्चे को इस सिंबल के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए कि नीचे जो नंबर लिखा है वो एटॉमिक नंबर है और ऊपर जो लिखा है वो मास नंबर है. लेकिन आप देख लीजिए शराफत की इंतहा कर दी है हमने. हमने फिर भी मेंशन किया कि अगर फर्स्ट कर ले किसी को ये बात नहीं मालूम तो उसका डिसएडवांटेज उसे ना हो, क्योंकि जब सवाल मुझे पूछना है बहरहाल वो तो कुछ और है. तो 3 एटॉमिक नंबर है, 7 मास नंबर, ये हमने या एटॉमिक मास हमने क्लियरली मेंशन कर दिया. अब हम आपसे पूछ रहे हैं विच स्टेटमेंट अबाउट एन एटम ऑफ एक्स इज करेक्ट. ऐसी सूरत में कौन सी स्टेटमेंट इस एलिमेंट के मुतालिक सही है? क्या ये बता दूं मैं इस बात से कि इट इज इन ग्रुप 3 ऑफ द पीरियोडिक टेबल? भाई पहली बात तो ये है कि इस इंफॉर्मेशन में ये जो 7 नंबर वाली एटॉमिक नंबर वाली इंफॉर्मेशन है यानी कि 3, ये मेरी बहुत हेल्प करेगी. तो इफ इट इज एटॉमिक नंबर 3 तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बनती है 1s2 2s1, और s1 पर जिसकी कॉन्फ़िगरेशन खत्म होती है उसके लास्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन है, और एक इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है कि उसमें वो ग्रुप 1 में हो सकता है, ग्रुप 3 में नहीं हो सकता है. इसी तरह क्या वो ग्रुप 7 में हो सकता है? बस सवाल ही पता नहीं होता. द टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज 6. चालाकी से सोचिएगा, जिसका एटॉमिक नंबर 3 है इसका मतलब है उसमें 3 प्रोटॉन्स हैं, और ये बात भी आपको बताई थी कि अगर एक एटम न्यूट्रल हो जो कि ये है तो इसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तादाद बराबर होगी. तो अगर इसमें 3 प्रोटॉन्स होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स भी 3 होंगे तो टोटल हो गए 6. 6 हो गए तो इसका मतलब है सी इज द राइट ऑप्शन. सी में लिखा हुआ है कि द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इज 6 एंड इट इज 6. नंबर 3 में हमने आपको एक टेबल बना कर दिया, आपको भी कुछ कुछ याद आएगा. ऐसा ही एक टेबल किताब में भी था, आपने भी उसे सॉल्व किया था. हम बस उसमें थोड़ा सा टेढ़ापन किया है बहरहाल, बल्कि ये तो ज्यादा आसान है क्योंकि इसमें कॉलम में एक तरफ एलिमेंट है जिनके सिंबल्स दिए हुए हैं, तो कोई सिंपल एटम का सिंबल है न्यूट्रल, और कोई कैटायन का है, कोई एनायन का है. पहला कॉलम प्रोटॉन नंबर है, दूसरा कॉलम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है. अब आप सोचिए इससे ज्यादा मजा ये बात क्या होगी. इसका मतलब है दोनों सेम है. अगर आप एक को एटॉमिक नंबर लिख देते और दूसरे को नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिर भी कुछ बात बनती, लेकिन आप ये देखिए कि ये इतनी सिमिलरिटी है. बहरहाल फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अब आपको क्या, आपने क्या देखा, हर एक के अंदर कोई एक इंफॉर्मेशन ऐसी है जिसे हमने हाइड कर दिया है. जैसे मैग्नीशियम के एटम में जो फर्स्ट वाला है उसमें हमने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को W लिखा है. फिर जब हमने मैग्नीशियम के कैटाइन पर आए हैं जिसका
चार्ज प्लस टू है, तो हमने वहां नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स छुपा लिए, उसे एक्स लिख दिया है। फ्लोरीन एटम में प्रोटॉन नंबर वाई है, और फ्लोराइड एनायन में जिसपे -1 का चार्ज है उसपे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जेड है। और आपसे सवाल ही किया है कि आप डब्ल्यू एक्स वाई जेड की वैल्यू, चार ऑप्शन है। तो अगर हम पहले से शुरू करें तो सीधी सी बात यह है कि जब कोई एटम कैटाइन बना ले तो उसके इलेक्ट्रॉन्स की तादाद चेंज होती है, न्यूट्रॉन्स की तादाद चेंज नहीं होती। इसलिए अगर मैग्नीशियम के कैटाइन में 12 न्यूट्रॉन्स हैं तो मैग्नीशियम के एटम में भी 12 न्यूट्रॉन्स होंगे, इसलिए W की वैल्यू जो है वो 12 आएगी। फिर इसके बाद मैग्नीशियम के एटम में 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो जिस मैग्नीशियम में +2 का चार्ज होगा और वो कैटाइन होगा तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो इसका मतलब है एक्स में वैल्यू है 10। फिर इसके बाद फ्लोरीन में हमने लिखा प्रोटॉन नंबर मालूम बताइए, वो वाई है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 9 है, तो ऑब्वियसली फिर प्रोटॉन नंबर भी 9 हुए। और फ्लोराइड जिस पर -1 का चार्ज है उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, तो जो फ्लोरीन है उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 9 होती है क्योंकि 9 प्रोटॉन होते हैं 9 इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब फ्लोरीन पर एक चार्ज आ जाएगा तो फिर एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 10। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड की जो वैल्यू मैंने लिखी है 12, 10, 9, 10, ये वैल्यू हमें नजर आ रही है 12, 10, 9, 10, दिस इज इन ऑप्शन बी। तो ये हमें ऑप्शन डी में नजर आ रही है, अगर आपको भी आ रही है तो दिस इज माय आंसर। अब आइए चौथे सवाल पर। तो चौथा सवाल कहता है विच स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स व्हाई द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर सिमिलर। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 ये भी दे दिया, पोटेशियम का 19, तो आपने सबसे पहले तो देखा कि अगर मैं इन दोनों की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं 11 और 19 की तो मुझे समझ में क्या आ रहा है कि ये दोनों के दोनों की कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म हो रही है, 11 वाले की 3S1 पर और 19 वाले की 4S1 पर। तो इससे मुझे समझ में आ गया कि चूंकि इन दोनों की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन सेम है, दोनों के लास्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, दैट्स व्हाई दे हैव अ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन मुझे तो ऑप्शंस में से आंसर चुनना है ना, ऑप्शंस में लिखा है इन दोनों की प्रॉपर्टीज इसलिए सेम है क्योंकि ये पीरियोडिक टेबल के एक ही ग्रुप में है। तो आपको क्लिक कर गया यस, जब दोनों की कॉन्फ़िगरेशन S1 पर खत्म हो रही है तो दोनों ग्रुप 1A में होने चाहिए, इसका मतलब है ये पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और आप चाहें तो अगले ऑप्शंस पढ़कर इत्मीनान भी कर सकते हैं, क्या ये दोनों एक ही पीरियड में है, जब आपने इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखी है एक की कॉन्फ़िगरेशन 3S1 है और एक की 4S1 है, तो इन दोनों का पीरियड तो सेम है ही नहीं क्योंकि 3S1 का मतलब है थर्ड पीरियड और 4S1 का मतलब है फोर्थ पीरियड। फिर दे आर सॉफ्ट एंड कैन बी कट विद अ नाइफ। भाई बात ये है कि इस बात की वजह से तो ये नहीं पता चलता ना कि किसी की प्रॉपर्टी सेम है, और दे हैव सिमिलर मेल्टिंग पॉइंट, ये भी एक बेवकूफाना बात है। तो सही जवाब वही है जो हम लिख चुके हैं। फिफ्थ के अंदर हमने आपको पीरियोडिक टेबल का एक स्केच बना कर दिया है, आप अगर इसको रियलाइज कर पाए तो ये पहले 5 पीरियड का है, इसमें छठा और सातवां पीरियड शो नहीं किया, आप लाइनें गिन सकते हैं जिसमें एफ ब्लॉक आता है, इसलिए एफ ब्लॉक वाला हिस्सा भी नहीं है। तो जितना है उसके अंदर हमने ए बी सी डी चार एलिमेंट्स मार्क किए हैं। द पोजीशन ऑफ 4 एलिमेंट्स आर शोन इन द आउटर पार्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल व्हिच एलिमेंट्स इज अ सॉलिड नॉन मेटल एट ए रूम टेम्परेचर। आप बताएंगे कि इनमें से कौन सॉलिड नॉन मेटल है रूम टेम्परेचर पर। तो आपने क्या रियलाइज करना है, वो जो पी ब्लॉक में आपने सारी बातें लिखी है ना वो अब आपको याद होनी चाहिए। तो पी ब्लॉक में जो पहला ग्रुप है, अगर मैं भी आपके सामने ये ड्रॉ करके दिखा दूं, इसलिए मुझे उसी हिस्से को ड्रॉ करना है जिसमें आपको एलिमेंट्स दिखाए गए हैं, जो एलिमेंट नहीं है उसका मुझे क्या करना है, यानी पी ब्लॉक वाला। तो अब वो पी ब्लॉक का जो भी पार्ट हमने ड्रॉ किया है उसमें आपको ये याद आएगा कि ये अगर एलिमेंट ए है ये बनता है ग्रुप 3 जिसके बारे में आपने कहा था एक मेटल नॉन मेटल होता है बाकी चारों मेटल होते हैं। इसका मतलब है पहला एलिमेंट नॉन मेटल होता है बाकी सब मेटल होते हैं, तो ए जो है ये मेटल होगा। और आप ए के बारे में क्या लिख रहे हैं, आप ए के बारे में लिख रहे हैं कि
हमें चाहिए सॉलिड नॉन मेटल, तो ए तो नहीं हो सकता मेरा जवाब, क्योंकि ए तो मेटल है। अच्छा, इसके बाद आप देखिए जहां बी लिखा हुआ है, ये बनता है ग्रुप 6। ग्रुप 6 का पहला एलिमेंट जो है वो नॉन मेटल है, लेकिन वो कौन है? वो है ऑक्सीजन। ये ग्रुप कहलाता ही ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है ना, और ऑक्सीजन गैस है। ये बात अगर आपको नहीं पता है तो मेरे ख्याल में कहीं और ही चलते हैं, क्या ख्याल है? ये सबको पता है, तो इसलिए सॉलिड तो नहीं हो सकता। फिर इसी तरह ग्रुप 7 में आए, और ग्रुप 7 में हमें सी और डी नजर आ रहा है, तो एकदम से हमें याद आ जाएगा, और ये बात हमने लिखी थी पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल में, कि ग्रुप 7A में इंक्लूडेड है फ्लोरीन और क्लोरीन जो कि गैसेस हैं, तो ये फ्लोरीन है, और जहाँ ये सी बना हुआ है ये असल में क्लोरीन है, ये दोनों गैसेस हैं। ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड है, तो ये जो डी बना हुआ है ये आयोडीन है जो कि सॉलिड है और नॉन मेटल है, क्योंकि हेलोजन के सारे एलिमेंट्स नॉन मेटल है। तो इस तरह से मुझे पता लग गया कि डी वो एलिमेंट है जो सॉलिड भी है और नॉन मेटल। तो मुझे शाबाश दीजिए कि मैंने सवाल बनाया, खुद तो नहीं बनाया, ये ओ लेवल वालों से उठाया मैंने, उनकी कर्म नवाजियां हैं जो वो ऐसे सवाल बना देते हैं। लेकिन आप देखिए कि कितनी बातें जो आपने पढ़ी हैं उन्हें इंटरप्रेट करना पड़ा आपको। पूरा वो हिस्सा जो हमने समझाते वक्त, जब हमने ग्रुप्स की डिटेल समझाई थी, तो मैंने आपसे यही कहा था ग्रुप की आपने बड़ी आसान आसान सी 5-5 बातें हर एक की लिखनी है, ये इम्तिहान में भी आपके कभी कभी शॉर्ट नोट में आता है, लेकिन इससे MCQ बनते हैं। ये है वो टाइप, हम सारी इंफॉर्मेशन को ऐसे मिलाकर पूछते हैं कि बच्चे को ठीक ठाक सोचना पड़ता है इन ऑर्डर टू गिव द आंसर। बहरहाल दिस इज 5। अब आते हैं 6 पर। एन एटम ऑफ एलिमेंट जेड हैज 14 न्यूट्रॉन्स एंड 13 प्रोटॉन्स, इट फॉर्म्स पॉजिटिव आयन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स डज द आयन ऑफ जेड हैव? अब आपको हमने न्यूट्रॉन्स की तादाद खाली पीली में बता दी, अगर किसी एटम में 13 प्रोटॉन्स हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी 13 है, तो उसकी कॉन्फिगरेशन होगी 1s2 2s2 3s2 3p1। अब इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? 3। क्या टेंडेंसी होगी इसकी? ये तो ग्रुप 3A का एलिमेंट हो गया ना, कि ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करके +3 चार्ज रखने वाला कैटाइन बनाता है इन ऑर्डर टू गेट द नोबल गैस। तो इसका मतलब है ये एलिमेंट जब कैटाइन बनाता है तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है, जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो उसके कैटाइन का चार्ज +3 होता है, और उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी बनती है? 10। तो अब ऑप्शन में देखिए 10 किस में लिखा हुआ है? ए। तो ए इज द राइट आंसर। The compound formed between element X and Y is ionic. X और Y दो एलिमेंट है, उनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बनता है। आयनिक बॉन्ड का क्या मतलब है? जो कैटाइन और एनायन के बीच में बनता है। Which statement about elements X and Y is correct? अगर ऐसा है तो बताइए एलिमेंट X और एलिमेंट Y के बारे में क्या बात सही होगी? पहली बात, X and Y are both at the left side of the periodic table. आपको भी याद है और मुझे भी याद है, जब मैंने periodic table में ये सारी ग्रुप की डिटेल लिखी थी तो आपसे कहा था ग्रुप एक्सट्रीम लेफ्ट पे जो ग्रुप है 1, 2, 3, उनकी खूबी है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटाइन बनाते हैं, और एक्सट्रीम राइट पर जो एलिमेंट है उनकी खूबी है कि वो एनाइन बनाते हैं। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि एक ऐसे दो ऐसे एलिमेंट जो आपस में आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका मतलब है उनमें से एक अगर लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल से होगा तो दूसरा राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल से होगा, ताकि एक कैटाइन बनाए और एक एनाइन बनाए। अगर दोनों लेफ्ट साइड से होंगे तो इसका मतलब है दोनों कैटाइन बना रहे हैं, तो ये कैटाइन और कैटाइन मिलके कब से बॉन्ड बनाने लगे? तो दोनों प्लस चार्ज होंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसलिए ये कहना कि एक्स और वाई दोनों का ताल्लुक पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट साइड से होगा, एब्सोल्युटली रॉन्ग। एक्स एंड वाई आर बोथ फ्रॉम द राइट साइड, दिस इज ऑल्सो एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि अगर दोनों राइट साइड के हैं तो मतलब है दोनों एनाइन बनाते हैं, और एनाइन भी तो एनाइन के साथ सेम चार्ज के साथ थोड़ी मिलेगा। एक्स एंड वाई आर बोथ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। भाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मतलब है ट्रांजिशन एलिमेंट सारे मेटल हैं और मेटल सिर्फ कैटाइन बनाता है, इसका मतलब है ट्रांजिशन मेटल भी अगर वो दोनों एक्स और वाई होंगे तो वो आपस में आयनिक बॉन्ड नहीं बना सकते। इतनी तो अब आपकी समझ में आ गया, आयनिक बॉन्ड बनाने के लिए जरूरी है कि दोनों अपोजिट कॉर्नर्स के हों, एक कैटाइन वाली साइड का हो तो एक एनाइन वाली साइड का हो, और ये आखिरी ऑप्शन में लिखा है एक्स इज एट द अपोजिट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम वाई, only then they can form an ionic compound, so D is the right answer. फिर हमने दोबारा periodic table का एक sketch टुकड़ा बनाकर दिया। The diagram was an outline of the periodic table.
और उसमें पांच एलिमेंट शो किए गए हैं आपकी दफा यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ठीक है। अब उन्होंने कहा है विच ऑफ द एलिमेंट्स यू वी डब्ल्यू एक्स वाई में से कौन से दो एलिमेंट ऐसे हैं जो अगर आपस में मिलेंगे तो 1:1 रेशियो से मिलेंगे। देखिए 1:1 रेशियो से वही मिलते हैं जिनकी वैलेंसी एक जैसी, या यूं कह लीजिए जिनका चार्ज वैसे अपोजिट हो लेकिन साइन साइन में अपोजिट हो लेकिन वैल्यू में इक्वल। तो आप वैलेंसी देखें या आप ये देखें कि उनके चार्ज की वैल्यू बराबर होनी चाहिए और साइन अपोजिट होना चाहिए। तो एक अगर +1 है और एक -1 है तो दोनों 1:1 रेशियो से मिलेंगे, एक +2 है और एक -2 है तो दोनों 1:1 रेशियो से मिलेंगे। और अगर यूं बात बना लें वैलेंसी, तो जिनकी वैलेंसी 1:1 है वो 1:1 रेशियो से मिलेंगे, जिनकी वैलेंसी 2:2 है वो भी 1:1 रेशियो से मिलेंगे। सेम वैलेंसी होगी तो दोनों का एक एटम। अब आप हिसाब लगा लीजिए यू किस ग्रुप में नजर आ रहा है, फर्स्ट ग्रुप में इसकी वैलेंसी 1 होगी और चार्ज होगा +1। बी किस ग्रुप में नजर आ रहा है, 2 में इसकी वैलेंसी 2 होगी और चार्ज होगा +2। तो अब +1 वाला किसके साथ 1:1 रेशियो से मिल सकता है सर, जिसका चार्ज -1 हो, वो कौन होगा, वो होगा वाई, क्योंकि वाई नजर आ रहा है आपको वो ग्रुप 7 में है जिन्हें एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है अपना लास्ट ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए। तो यू और वाई अगर मिलेंगे तो 1:1 रेशियो से मिलेंगे डेफिनेटली, लेकिन मेरे पास यू और वाई का ऑप्शन कहाँ है, वो है ऑप्शन डी। तो ये एक आंसर हो गया। इसी तरह अगर आप सोचें तो वी उसकी वैलेंसी भी 2 है +2 इनफैक्ट, और एक्स -2 है, तो वी और एक्स भी अगर मिले तो 1:1 रेशियो से मिलेंगे, लेकिन वो मेरा ऑप्शन ही नहीं है, वरना वो भी जवाब हो सकता था, लेकिन जो चारों में ऑप्शन ही नहीं है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें यू और वाई दोनों के दोनों की वैलेंसी 1 है, एक का चार्ज +1 एक का चार्ज -1, वो डेफिनेटली आपस में 1:1 रेशियो से मिलेंगे, इसलिए मेरा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया था टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 4 एलिमेंट्स व्हिच एलिमेंट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इन्फॉर्मेशन देखकर आप बताएंगे कि कौन से एलिमेंट को आप ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। उन्होंने एक पहला ऑप्शन आपको दिया है कलर ऑफ द एलिमेंट आपको बेवकूफ बनाने के लिए। सर कैसी बातें कर रहे हैं, कलर तो इतनी इंपॉर्टेंट को भी थी, फिर पढ़ लीजिएगा उस पॉइंट को, उसमें लिखा है ट्रांजिशन मेटल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड्स। हमने ये कहा है कि ये मेटल कलर्ड कंपाउंड बनाते हैं, खुद कलर्ड होते हैं ये नहीं कहा, क्योंकि खुद कलर होना तो भाई ये तो कोई खूबी नहीं है, ये तो सारे एलिमेंट्स का कोई ना कोई कलर होता है, यानी ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अलावा जो दूसरे हैं जैसे सिल्वर के सोडियम के बारे में मैंने खुद कहा था इसका सिल्वर ही ग्रे कलर होता है। तो याद रहे मेटल का खुद का कलर होना ये उसके ट्रांजिशन होने की निशानी नहीं है, क्योंकि सारे ही मेटल्स कलरफुल होते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फर्स्ट कॉलम में मैं कलरलेस लिख रहा हूँ, ब्लैक लिख रहा हूँ, ग्रे लिख रहा हूँ या येलो लिख रहा हूँ। इट वोंट हेल्प मी टू डिसाइड वेदर इट इज ट्रांजिशन और नॉट। ब्लैक वाला भी ट्रांजिशन हो सकता है, कलरलेस वाला भी हो सकता है, ग्रे वाला भी है, यानी चारों ही आंसर है सर। तो फर्स्ट कॉलम की तो अहमियत ही खत्म हो गई, डिसाइडिंग फीचर है लास्ट टू कॉलम, क्योंकि तमाम ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेटल हैं तो दे मस्ट बी द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इन दैट केस जिसमें लो कंडक्टेंस लिखी है वो ऑप्शन खुद ब खुद हार गया। अब आखिरी बात है सबसे डिसाइडिंग फीचर, कलर ऑफ ऑक्साइड। ऑक्साइड मैंने जस्ट एन एग्जाम्पल में कह दिया, किसी भी कंपाउंड का कलर ले लेते, चाहे वो ऑक्साइड का मतलब है ऐसा कंपाउंड जिसमें ट्रांजिशन एलिमेंट ऑक्सीजन से मिलते हैं। तो अब जो ट्रांजिशन मेटल अगर ऑक्सीजन से मिलकर कंपाउंड बनाएंगे तो वो कलर्ड होगा, और अगर कोई और मेटल ऑक्सीजन से कम मिलेगा तो या तो वो कलरलेस होगा या वाइट होगा। याद रहे वाइट को हम कलर नहीं मानते। मैंने आपसे कहा था नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जो है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक वाले, उनके कंपाउंड्स को या तो हम कलरलेस कहते हैं या वाइट कहते हैं, जबकि रंग बिरंगे जो कलर होंगे वो हमेशा ट्रांजिशन एलिमेंट होंगे। तो ऑप्शन देख लीजिए कलरलेस, वाइट, रेड और कलरलेस। कलरलेस को भी हटा दें, वाइट को भी हटा दें, तो कौन बचता है, रेड। तो अब जिस कंपाउंड जिस एलिमेंट का ऑक्साइड रेड कलर का है, जिसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी हाई है, दैट मस्ट बी द ट्रांजिशन मेटल। अब उसका कलर ग्रे निकला या कुछ और निकला उससे मुझे कोई लेना देना नहीं था। सही आंसर हो गया सी, ऑप्शन 10। ऑप्शन 10 में रिलेटिवली स्ट्रेट फॉरवर्ड बात पूछी है, बहरहाल वो हमें आती होगी तो हम लिख लेंगे, और वो है क्वाइन एज मेटल्स की वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन। सिर्फ जानने की बात यह है कि आपको ये याद आ जाए कि क्वाइन एज मेटल्स पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 1B में है, और ये हैं कॉपर, सिल्वर और गोल्ड,
जिनकी कॉन्फ़िगरेशन S1D10 पर ख़त्म होती है, जो हमने निशानी बनाई थी उसके हिसाब से। तो जब आप इसकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर तरीके से लिखेंगे, दैट इज़ वैलेंस शेल, तो आपको इतना पता है कि S के साथ N लगाना पड़ता है और D के साथ N-1 लगाना पड़ता है। तो ये प्रॉपर तरीके से पूरी कॉन्फ़िगरेशन हो गई, NS1 N-1 D10, और ये बात हमारे सामने ऑप्शन नंबर C पर लिखी, 11 एलिमेंट एक्स है कोई जो कि डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाता है। एन एटम ऑफ एक्स रिक्वायर्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म स्टेबल X-1 N ion। ये दो बातें बता दी, वो एलिमेंट जो डायटॉमिक मॉलिक्यूल बना है, वो एलिमेंट जो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके -1 चार्ज वाला एन आयन बना है। बताइए ये एलिमेंट कौन होगा, चारों में से कौन सी बात ठीक है? क्या ये कह रहे हैं कि ये ग्रुप वन का मेटल है? सवाल ही पैदा नहीं होता। डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाना नॉन मेटल्स की निशानी है, मेटल्स की नहीं है, और मेटल -1 का भी चार्ज हासिल नहीं करते, वो हमेशा प्लस चार्ज हासिल करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन तो एब्सोल्युटली रिजेक्टेड है। इट्स अ हैलोजन। अब आप फौरन ये याद करेंगे, हैलोजन ग्रुप 7 का था, उसमें ये दोनों बातें लिखी गई थी कि ग्रुप 7 के एलिमेंट डायटॉमिक मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके मोनोवेलेंट एनायन बनाते हैं। सो इट्स एब्सोल्युटली ए हैलोजन, डी इज द राइट आंसर। अगर आप फिर करना है ऑप्शंस की और डी को, तो भाई सी की तो ऐसी की तैसी, नोबेल गैस कहाँ से आ गया जवाब? वो तो ना एनायन बनाता है और ना मॉलिक्यूल बनाता है। और आखिरी में जो लैंग्वेज लिखी गई है, वो फिलहाल मैंने तो अभी तक इस्तेमाल नहीं की, हाँ आपके कानों ने सुनी हुई है, कोई रिड्यूसिंग एजेंट भी होते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। अव्वल तो हमने ये लफ्ज इस्तेमाल नहीं किया, तो इसलिए ये हो ही नहीं सकता था जवाब, लेकिन अब हमारे पास थोड़ी सी तो अकल भी है, जो दूसरों को रिड्यूस करें और खुद ऑक्सीडाइज हो। तो इतना तो याद होगा फर्स्ट ईयर से कि ऑक्सीडाइज का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी ऐसा एलिमेंट जो खुद इलेक्ट्रॉन लूज करे। ऊपर खास तौर पर लिख दिया कि ये इलेक्ट्रॉन लूज नहीं कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। तो सही जवाब हैलोजन, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट शोज दैट आयरन इज अ ट्रांजिशन। मैं क्या बात लिखूं मैं आयरन की प्रॉपर्टी पे कि आप खट से कह दें कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा? क्या ये बात कि आयरन टू सल्फेट क्रिस्टल्स आर ग्रीन? यस, पहला ही ऑप्शन आपके दिमाग पे ठा करके लगेगा कि जब आप किसी कंपाउंड के किसी एलिमेंट के कंपाउंड को कलरफुल कहते हैं, ऊपर भी मैंने कहा इससे बढ़कर ट्रांजिशन एलिमेंट की कोई निशानी हो ही नहीं सकती। सो ऑप्शन ए इज एब्सोल्युटली द राइट आंसर। और अगर आप नीचे के ऑप्शंस देखेंगे तो उनसे बहरहाल ट्रांजिशन एलिमेंट होने की कंफर्मेशन नहीं होती। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि आयरन 3 ऑक्साइड यानी आयरन का एक कंपाउंड जो है वो बेसिक इन नेचर है, होता है ना एसिडिक बेसिक, अब एसिडिक बेसिक का ट्रांजिशन एलिमेंट से तो कोई ताल्लुक नहीं हो रहा। आयरन रस्ट इन मॉइस्ट एयर, रस्टिंग ऑफ आयरन आयरन की खूबी है, लेकिन ये खूबी होने की बिना पर वो ट्रांजिशन नहीं कहलाता। इसी तरह आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये भी एक बात हमने लिख दी, सारे मेटल एसिड से रिएक्शन करते हैं, सो दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे हमें ये पता चलेगा ये ट्रांजिशन एलिमेंट है, वो बात पहले हो चुकी। कलरफुल कंपाउंड बनाना, 13 एक एलिमेंट है जो कि पीरियड 3 में है और ग्रुप 7 में है, विच स्टेटमेंट अबाउट दिस एलिमेंट इज करेक्ट? तो बताइए कौन सी बात उसके लिए सही होगी अगर मैंने ये बताया कि वो 3rd पीरियड में है और 7 ग्रुप। भाई बात ये है कि द एलिमेंट विल फॉर्म +1 आयन, वो एलिमेंट +1 आयन बनाएगा। भाई जो ग्रुप 7 में होगा उसके लास्ट ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे, वो +1 क्यों बनाएगा? इसी तरह अगर मैं कहूँ द एलिमेंट विल हैव 3 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, ये भी बात नहीं बनती। द एलिमेंट विल हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट शेल, ये वो बात बनती है जो ग्रुप 7 में होने की वजह बन सकती है। सो ऑप्शन है सी। 14 में कहा एटम्स विद s2p6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दी हाईएस्ट एनर्जी लेवल आर बेस्ट डिस्क्राइब है। अगर किसी एलिमेंट की कॉन्फ़िगरेशन s2p6 पर खत्म हो रही है, यानी उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे एलिमेंट्स को क्या कहा जाना चाहिए? ये है टिपिकल निशानी किसकी? नोबल गैसेस की। सो ये है ऑप्शन डी। 15th क्वेश्चन में कहा गया पोजीशन ऑफ एलिमेंट विद वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3b4 इन पीरियोडिक टेबल विल बी। तो अब आपको तो कॉन्फ़िगरेशन लिखकर पोजीशन सिखाई गई थी, अब मैंने आपके लिए तोहफा ये किया है कि खुद लिख दी है और बताया कि अगर लास्ट ऑर्बिट 3s2 3p4 है तो ऐसे एलिमेंट की पीरियोडिक टेबल में पोजीशन क्या है।
ना ब्लॉक के बारे में आंसर्स में मेंशन है और ना वो बताना है, अदरवाइज ये पी ब्लॉक होता। लेकिन ये जो आंसर्स हैं चार, इसमें ग्रुप और पीरियड सिर्फ मेंशन है। तो अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन थर्ड पीरियड पर खत्म हो रही है 3s2 3p4, तो वो पीरियड उसका 3 होगा। तो अब ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2, ए या बी में से कोई जवाब हो सकता है, सी और डी में से नहीं हो सकता क्योंकि उसमें पीरियड 4 लिखा है। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 नजर आ रहे हैं आपको, 4p में 2s में, तो ये 6 से ग्रुप का है, तो इस लिहाज से ऑप्शन बनता है बी 16। वैनेडियम एटॉमिक नंबर 23 है और उसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन हमने दे दी। आपसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि इस ग्रुप से बिलोंग करता है, पीरियड या ब्लॉक नहीं पूछे, सिर्फ ग्रुप। तो अगर किसी की कॉन्फ़िगरेशन 4s2 3d3 पे खत्म होती है तो वो फैमिली बी का है, और टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमें नजर आ रहे हैं 5, तो इसका ताल्लुक 5b ग्रुप से होगा, विच इज ऑप्शन डी। सबसे आखिरी ऑप्शन में 5d लिखा, 5b लिखा हुआ है। पी ब्लॉक के मेटल्स को क्या कहते हैं? हमने जो पी ब्लॉक की डेफिनेशन बनाई थी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट के टॉपिक पर, उसमें लिखा था कि पी ब्लॉक के मेटल्स को पोस्ट ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, विच इज ऑप्शन बी। आपसे कहा कि पोजीशन ऑफ एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 34, ये अब टिपिकल वही सवाल हो गया जैसा हमने आपको प्रैक्टिस कराई थी। तो भाई एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 34 है, कॉन्फ़िगरेशन आप खुद लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p4। तो अब इसका लास्ट ऑर्बिट पूरा अगर देखा जाए तो 4p4, तो इसका लास्ट सबशेल है और इसके साथ 4s भी शामिल होगा, बीच का 3d बिल्कुल नहीं देखेंगे। तो ये कौन सी कैटेगरी है? S2P4 वाली है। कितने ग्रुप बन गए? ऊपर भी मेंशन था ये। S2P4 में ग्रुप बनता है 6 और पीरियड बनता है 4th, तो 6A और 4th पीरियड जो के है ऑप्शन डी। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हमने कोई ग्रुप नहीं अलॉट किए थे, लेकिन ये कहा था कि ये किस ग्रुप के मेंबर समझे जाते हैं? 3B, इन्हें डिक्लेयर किया जाता है पार्ट ऑफ 3B, दैट इज ऑप्शन सी। और अब आखिरी सवाल में है, आर्टिफिशियल एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? आर्टिफिशियल एलिमेंट्स का नाम है ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, दिस इज ऑप्शन डी। तो ये हमारे पूरे सवालात हो गए और इनका रिजल्ट भी हो सकता है अब आपके पास आ रहा होगा या आ चुका होगा बहरहाल। लेकिन जो लिस्ट थी हाई अचीवर्स की वो हमने आपसे शेयर की है, और मैंने थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा बहरहाल कि उसमें 5-6 बच्चे ही सिर्फ आए, तो ये मेरे लिए अच्छी बात नहीं है। वुड लाइक टू सी अ लॉन्ग लिस्ट, मुझे लंबी लिस्ट देखकर मजा आता है या मुझे खुशी होती है कि इसका मतलब हर बच्चा उसी अंदाज से पढ़ रहा है जिस अंदाज से हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे। लेकिन बहरहाल बुराई ये नहीं है कि नंबर कम आए, बुराई ये है कि नंबर कम आने का अफसोस ना हो। तो अफसोस होना चाहिए और अपनी गलतियाँ देखनी चाहिए, कहाँ मिस्टेक हो गई। इससे आपकी जो स्किल्स डेवलप हो रही हैं वो बहुत अहम, यकीन मानिए, बताइएगा मत अगर आप अपने तक रखें तो ज़्यादा अच्छा है। ये टेस्ट अभी तो नहीं, लेकिन कुछ दिनों के बाद, अभी जो आजकल एंट्रेंस की क्लास हो रही है ना, मैं उनसे भी लेना है मुझे जब वो इस टॉपिक पर पहुँचेंगे, और उनको बहुत ज़्यादा इस पेपर से खुशी होगी। अगर आपको नहीं हुई है तो उनको तो बहुत होगी, क्योंकि दे आर लुकिंग फॉर द क्वेश्चंस, बहुत सारे उसमें अच्छे बच्चे माशाल्लाह हैं ना, तो वो सब तड़प रहे हैं अपनी तैयारी, अल्लाह करे उन्हें कामयाबी अल्लाह ताला देगा। तो उनको है कि ऐसे सवाल आप किए जाएं, ये जो सीधे सीधे सवाल होते हैं ना, तो मैंने भी इसमें 2-1 दिए हैं, बिल्कुल यही वाला आखिरी वाला ही देख लें, मतलब सीधा सीधा एक इन्फॉर्मेटिव नॉलेज थी। डेफिनेशन किसी ने भी आती तो पता है, आर्टिफिशियल एलिमेंट, ट्रांसलेटिव एलिमेंट, ये जो टाइप है ये आती जरूर है, ये इवन हमारे भी पेपर्स में आती है, एनटीएस के भी पेपर में आती है। वो लोग बैलेंस रख के पेपर बनाते हैं कि हल्के सवाल भी देने हैं, मुश्किल भी देने हैं। तो अब मगर बच्चों का पॉइंट ऑफ व्यू ये होता है कि जब हम एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये हल्के तो हमसे हो ही जाएंगे ना, ये तो हमने भी पढ़ा तो हमसे हो गया। तो अगर आप हमारी प्रैक्टिस करा रहे हैं तो हमें ट्रिकी क्वेश्चंस, ट्रिकी क्वेश्चंस में कहानी ये होती है कि इवन अगर वो एक दफ़ा गलत भी हो जाए तो खुशी ये होती है कि मुझे ट्रिक समझ में आ गई। अब सर अगर यही चीज़ दोबारा देंगे ना तो मेरे से गलती होगी, यही मैं भी कहता हूँ कि अगर इसमें हमारी 2, 4, 6, 8 जो गलतियाँ हुई होंगी, और अगर उसकी वजह यह है कि हमने वो टॉप, मिसाल के तौर पर किसी का ये आखिरी सवाल गलत हो गया क्योंकि उसने ट्रांसयूरेनियम एलिमेंट की डेफिनेशन पढ़ी नहीं, बिल्कुल आखिरी में तो पढ़ाई थी, तो अब उसको समझ में आ गया गलती की वजह ये कि मेरी थॉरो स्टडी नहीं थी, मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, उसमें से आ गई, तो अब उसका तो कोई इलाज नहीं है ना, उसमें अफसोस नहीं होता, उसमें ये होता है कि अच्छा नेक्स्ट टाइम कोई चीज़ छोड़नी नहीं है। लेकिन जो ट्रिकी क्वेश्चन थे जिसमें मैं कन्फ्यूज होकर गलत कर दिया, हालांकि मैंने वो टॉपिक पढ़ा था, तो वो जो भी कन्फ्यूजन हुई है अब वो दोबारा नहीं होगी। हम अलर्ट हो गए कि अगर अब सर ने सवाल इसी तरह कोई दूसरी दफा दिया तो अब हमसे गलती नहीं होगी, यही हम चाहते हैं।
चाहते हैं जो भी गलतियां हैं, जो भी प्रैक्टिस है वो यहाँ हो जाए, ये इम्तिहान तक पहुँचते पहुँचते हम परफेक्ट हो जाए। बहरहाल, एनीथिंग यू वांट टू आस्क अबाउट दीज क्वेश्चंस तो पूछिए, तब मैं आगे बढ़ूँ। जारा शाह बेटा, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम सर, मैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड तो नहीं पूछना चाह रही, लेकिन मैं सिर्फ एक ये बात आपको कहना चाह रही थी कि एमसीक्यूज जो के हैं वो बहुत चैलेंजिंग होते हैं, तो आई थिंक मतलब क्योंकि हमें लॉजिक्स यूज करनी होती है और साथ में लिख कर सॉल्व करना होता है, फिर हमें जवाब सेलेक्ट करना होता है, तो आप अगर टाइम थोड़ा सा ज़्यादा दे दें। और दूसरी बात ये कि एमसीक्यूज जो है उनसे इतनी अच्छी प्रिपरेशन हमारी हो नहीं पाती, तो अगर आपको ठीक लगे जैसे आज सर सफरुद्दीन ने हमें जो था कि उन्होंने हमारा डिस्क्रिप्टिव लिया था, तो मतलब लिख कर हमें उनको व्हाट्सएप करना था, तो अगर आपको ठीक लगे तो आप ऐसे कर लें और थोड़ा सा बस टाइम ज़्यादा दे दें। दोनों बातें सुनकर इंतहाई खुशी हुई है, वेरी एक्सीलेंट। देखो बेटा, जिस तरह आप ये नए अंदाज से पढ़ रहे हैं, हम भी नए अंदाज से पढ़ा रहे हैं। और अगर हम अपने आप को अकलते कुल समझ कर कहें नहीं जी हम तो 30 साल से आमिर अर्शद साहब पढ़ा रहे हैं, उनके आगे किसकी, तो ये इंतहाई बेवकूफाना सोच होगी अगर मेरे अंदर आए। इस वक्त जिस अंदाज से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आपको पढ़ते हुए महीना हुआ है तो मुझे पढ़ाते हुए 4 महीने। मैंने ये काम मार्च से शुरू किया था, बस इतना एक्सपीरियंस मेरा रहा। तो हम भी सीख रहे हैं नए नए तरीके, और वो क्या है, सिचुएशंस आएंगी तो हम चाहेंगे कि बच्चे भी अपना इनपुट दें ताकि हम उन लाइनों पे सोचें। तो ये जो आज आपके साथ फिजिक्स में हुआ है, ये उसी का हिस्सा था कि वी स्टार्ट थिंकिंग इन दिस वे कि इसका क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, उसके लिए बहुत अच्छी और बहुत जरूरी चीज पता है क्या है, बच्चे आप जैसे, ये मैं तारीफन नहीं कह रहा हूँ, ये मैं अपने उस तजर्बे की बिना पे, क्योंकि मैं नाम पढ़ता हूँ तो मुझे ज्यादातर अंदाजा है बच्चे वो फर्स्ट ईयर में मुझसे पढ़े में, यानी जो पढ़ना चाहते हैं। जब बच्चे पढ़ना चाहते हैं तो खुदा की कसम हम लोगों को आंखें बंद करनी पड़ती है। हमें ये डर नहीं होता कि आज जो हमने पेपर दिया है ना, इन बच्चों ने टेलीफोन पर एक दूसरे को बता दिए होंगे आंसर और ये तो नकल हो रही है, ये हमें नहीं डर होता, क्योंकि हमें पता है दे आर वेरी कीन टू लर्न। ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई एक आधी गंदी मछली आ भी गई तो आ गई, लेकिन ये मेजोरिटी ऐसी है ये वाकई करना चाहते हैं। अच्छा, ये इसीलिए आप लोगों के साथ हमें बहुत आसानी हो जाती है, हम नए नए तरीके सोच सकते हैं। बाकी जगहों पर जहाँ बच्चे जरा एवरेज होते हैं ना, वहाँ ये डर लगा रहता है कि हमारी सोच से पहले वो उसकी काट कर लेते हैं। उनका दिल होता है बस, अगर सर ऐसे लेंगे ना, हम इस तरह से सेटिंग बना के बैठ जाएंगे और यूं कर लें। फायदा क्या, आप ये देखिए ना, अगर हम किसी को बताएं कि हम आपसे थ्योरी का पेपर, हम साहब से कहेंगे चलो भाई लिखो और फिर आप हमें तस्वीर खींच के भेज दो, ओ भाई अगर आपने कैमरे में भी देख के लिखवा लिया तो इस बात का क्या सबूत है कि जो तस्वीर हमें भेजी गई है वो उसी की है जो आपने उस वक्त लिखा था, वो पहले से लिखा हुआ नहीं था। कितने तरीके हैं, तो ये वही बच्चा सोचेगा जो पढ़ना नहीं चाहता, सिर्फ डॉट देना चाहता है। तो हमें अब आहिस्ता आहिस्ता इसी तरह एहसास होगा जब बच्चे हमसे कहेंगे। तो पहली बात 100% ठीक है, इस पेपर में खासतौर पर हमें अब आइंदा के लिए ऐसा सोचना है कि हम आपको जब थोड़े से सोचने वाले सवाल दें तो एक एमसीक्यू के लिए 1 मिनट नहीं हो बल्कि थोड़ा ज्यादा हो। यस, दिस इज अप्रूव्ड, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम विल टेक केयर ऑफ दैट। ये बहुत अच्छी बात आपने कही। दूसरी बात, यस मैंने अभी अभी कहा कि मुझे तो थोड़ा एडवांटेज है, ठीक है मेरे पास कुछ रट्टे वाले टॉपिक भी होंगे, उनमें हो सकता है मैं भी इस तरह की चीज पर जाऊं, हम जरा देखें आज जो आपने दिया उसका इम्पैक्ट हमारे पास क्या आता है। लेकिन मेरे पास तो उससे भी अच्छा तरीका है, और वो ये है कि जो अब आप देखेंगे, अब जब आगे पढ़ना शुरू होंगे, इक्वेशंस का झुम्मा बाजार लगा हुआ है भाई, और इक्वेशंस तो एक एक लाइन के आंसर है ना, ये तो मैं ड्राइव पे भी इसी तरह ले सकता हूँ। एंड दैट इज वी आर वर्किंग फॉर कि हम अब उस स्टाइल पे आ रहे हैं, तो बहुत जल्द उस पर आएंगे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें, आप बिल्कुल ऐसा ना सोचेंगे क्या होगा हमारी तैयारी का क्या होगा, बस वही वाली बात है कि अंडर दी सर्कमस्टांसेस जो बेस्ट पॉसिबल चीज होगी वो हम जरूर करेंगे। Your input is always, always welcome. ठीक हो गई बात, तो ये आपकी दोनों बातें इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसे adopt करेंगे। अब हम बात कर रहे हैं, थोड़ी सी रह गई है बस, थोड़ी सी बात, इलेक्ट्रोलाइसिस का एक तरीका पढ़ जा रहे थे हम, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर का, जिससे हम हाइड्रोजन गैस, और अब पानी है तो अब पानी से अगर हाइड्रोजन गैस बनानी है तो पानी तो बहुत तरह का होता है ना, पानी तो वो डिस्टिल वाटर भी है, वो मिनरल वाटर भी है जो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं, बड़े महंगा होता जा रहा है, पैसों का आता है। नेस्ले की बोतल जरा अच्छी ब्रांडेड कंपनी वाली अगर आप ले रहे हैं मिनरल वाटर की, तो वो तकरीबन कोल्ड ड्रिंक की कीमत पे मिल रही है। एक नलके का पानी है जो घर के नलके में आता है, वो तो बाजार मुफ्त है।
लेकिन अब उससे हमें डर लगा रहता है कि उसे पीने के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसमें पता नहीं क्या हिसाब किताब हो। एक पानी वो है जो दरिया की सूरत में है, समुंदर की सूरत में है। समुंदर वाला पानी कराची वाले देखते हैं वो कम से कम पीने लायक नहीं है, उसके कोई पैसे हैं लोग, उसके तो कोई पैसे नहीं है। तो अब मजेदार बात यह है कि मुझे पैसों वाले पानी की इस प्रोसेस में जरूरत नहीं है। एक केमिस्ट्री वाले जब कहते हैं ना वाटर, तो उससे मुराद होती है डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर वो है जो प्योर वाटर है। अच्छा, वो कभी आपने नहीं देखा होगा, शायद ही देखा हो और शायद ही उसे कभी इस्तेमाल किया हो। डिस्टिल वाटर, प्योर वाटर जो है वो केमिस्ट्री की लैब में इस्तेमाल होता है फॉर मेकिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस। जो पानी हम पीते हैं, याद रहे, वो प्योर वाटर नहीं होता। प्योर वाटर पियेंगे बीमार पड़ जाएंगे। तो हम जो पानी पीते हैं वो है मिनरल वाटर। मिनरल वाटर का मतलब है उसमें कुछ मिनरल्स डिजोल्व होते हैं जो हमारी सेहत के लिए बड़े अच्छे हैं, हमारे कहना चाहिए कि हेल्थ फ्रेंडली हैं। तो अगर पानी में ऐसे मिनरल्स मुनासिब तादाद में हैं तो वो पानी मिनरल वाटर है और वो मेरी सेहत के लिए अच्छा है। अगर पानी में मिनरल्स नहीं है, वो प्योर वाटर है, तो ऐसा पानी हरगिज भी मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, इसे मुझे कतर नहीं पीना है। अगर पानी में मिनरल्स हैं लेकिन ऐसे मिनरल्स हैं जो मेरी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तो भी ये पानी नहीं अच्छा, वो खारा पानी होता है। खारे पानी में ऐसे मिनरल्स हैं जो उसका टेस्ट भी चेंज कर देता है, इसको हम हार्ड वाटर कहते हैं, एंड इट्स नॉट गुड फॉर ड्रिंकिंग। तो इसका मतलब है देयर आर कैटेगरीज ऑफ वाटर। तो कौन सा पानी महंगा होता है? इवन डिस्टिल वाटर महंगा होता है जो प्योर है, और ये जो मिनरल जो हमारी सेहत के लिए अच्छा है वो महंगा। खारा पानी भी हमें बोरिंग के पानी से मिल जाता है, वो भी सस्ता होता है। समंदर का पानी भी सस्ता होता है। बारिश के पानी की भी कोई वैल्यू नहीं है। तो इस इलेक्ट्रोलाइसिस में मुझे हर सस्ते पानी से मेरा काम चल जाएगा, क्योंकि बात सारी ये है कि प्योर वाटर जिसे आप डिस्टिल वाटर कहते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता, ये कहना चाहिए बहुत ही कम कर पाता है। सो इट्स अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर पानी में मिनरल्स मिले हों, चाहे वो हेल्दी वाले हों या अनहेल्दी वाले हों, उन मिनरल्स की वजह से जिन्हें हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसलिए मेरे जिन बच्चों का ये तजर्बा है, मेरी बात सुन के चौंक गए हैं, पानी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। तो जो अभी बारिश में खंभों में बिजली आ गई थी, इतने लोग मर गए थे और हम कह रहे हैं पानी में से करंट गुजर रहा है, ये क्या बेवकूफ बना रहे हैं। तो मैंने इसीलिए फौरन कहा कि इससे पहले कि आप कहें मैं बता दूं, ये पानी जो बिजली कंडक्ट नहीं करता या ना होने के बराबर करता है, ये डिस्टिल वाटर है जो कहीं सड़कों पर और इधर उधर नहीं पड़ा हुआ, सिर्फ केमिस्ट्री की लैब में बड़ा महंगा होता है वहां रखा। बारिश के पानी में भी मिनरल्स होते हैं, मिनरल वाटर में तो होते ही हैं, खारे पानी में भी मिनरल्स होते हैं, समंदर के पानी में भी होते हैं, दरिया के पानी में भी होते हैं, बाकी सारे पानियों में मिनरल्स होते हैं। और जिस पानी में मिनरल्स होते हैं या इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं उनको, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो अब जब हमारे पास इतने ऑप्शन हैं, हम इस्तेमाल करेंगे जिसमें हमें सस्ते तरीन तरीके से मिल जाए ताकि हमारा काम। तो ये है पहला पैरा के एड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑर्डर टू कंडक्ट electricity, we add some electrolyte in water like acid, base or salt. ये है शब्द प्योर वाटर जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, सर बैड कंडक्टर। नॉन नहीं लिखा है, ये ध्यान में रखिएगा, बैड लिखा है। नॉन कंडक्टर का मतलब होगा सिरे से जरा सी भी कंडक्शन नहीं कर सकता, और बैड का मतलब है करता है ना होने के बराबर, तो वेरी वेरी वीक जिसको कहें। और अगर हम चाहते हैं उसकी कंडक्टिविटी रीजनेबली अच्छी हो जाए, तो हम उसमें इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, जो कोई भी एसिड, कोई भी बेस, कोई भी सॉल्ट हो सकता है। तो अब वो जो मैंने लगभग अभी मिनरल्स का या इलेक्ट्रोलाइट का इस्तेमाल किया है, उससे मुराद ज्यादातर सॉल्ट ही ली जाती है, लेकिन बहरहाल एनी एसिड, एनी बेस, एनी सॉल्ट कैन बी कैन सर्व द पर्पस। अब वो हो गया, आपने ऐसा पानी ले लिया, होगा क्या? तो इक्वेशन इसकी या रिएक्शन इसका बड़ा सिंपल है, और वो ये है H2O जब इसमें से हम बिजली गुजारते हैं, इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं, यानी इसकी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो इसमें मौजूद हाइड्रोजन हाइड्रोजन गैस बनाकर और ऑक्सीजन ऑक्सीजन गैस बनाकर अलग हो जाता है।
इस तरह पानी का मॉलिक्यूल ब्रेक होकर टूट कर दो गैसें बनाता है। लाइसिस का मतलब है ब्रेकिंग, इलेक्ट्रो जो इलेक्ट्रिक सिटी की वजह से हो, ये है कहानी। लेकिन अभी ये बात शुरू हुई है, खत्म नहीं हुई है। इसकी तफसीलात बतानी है, इस रिएक्शन को समझाना है, इसे पूरी तरह से एक्सप्लेन करना है, व्हाट इज द रोल ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन ऑर्डर टू डिकम्पोज दिस वाटर मॉलिक्यूल एंड इन व्हाट टाइप ऑफ एपरेटस वी आर डूइंग दीज थिंग्स। ये सारी बात अभी चलेगी, इससे आगे बताएंगे। और ये भी बताएंगे कि इम्तिहान में जब ये सवाल पूछे जाते हैं तो ये जो पैराग्राफ हमने लिखा है ये सिर्फ कॉस्मेटिक है, ये सिर्फ इसलिए है कि इनसे कोई एमसीक्यू आ जाएगा। हमें असल में इम्तिहान में सिर्फ इक्वेशन लिखनी, उसी के मार्क्स होते हैं। आप पूरा पैराग्राफ लिख दें, इक्वेशन गलत लिख दें, अंडा मिलेगा। आप कोई पैराग्राफ ना लिखें, कंप्लीट इक्वेशन लिख दें, पूरे नंबर मिलेंगे। ये वाला हिसाब है, टू द पॉइंट बात, इक्वेशन के नंबर हैं, बाकी सब बेकार। बाकी सब चीजों की अहमियत ही होती है कि वो एमसीक्यू में पूछ लिए जाते हैं। तो सारा कुछ इक्वेशन है और अब हमारी हर बात में इक्वेशन इक्वेशन ही आएगी। तो बहरहाल इससे आगे कंटिन्यू करते हैं, अभी टाइम हमारा खत्म हो रहा है, यहीं से बात चलाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। जो कुछ हमने आज बताया उसमें बेसिकली सारे आंसर्स ही थे, लेकिन मैं वो भी आपसे शेयर कर लेता हूँ ताकि अगर किसी ने आंसर की उतारने में देखा ना हो तो उसको भी मिल जाए, या आपके ग्रुप पे शेयर करते हैं। थैंक यू वेरी मच।